सहारपना, मैं हूं मिताली चंदूला। हर बार हम अपने नई सीरीज, नए एपिसोड्स में बात करते हैं डार्क नेट, डीप वेब और साइबर क्राइम की। सबसे बड़ा खतरा का सबब बनता जा रहा है, हमारी युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आती जा रही है। हमने अक्सर सीरीज में, अपने शोज में बात करी है ड्रग्स की, कैसे नार्को टेररिज्म फैलता जा रहा है और किस तरीके से पूरे विश्व के लिए चिंता का सबब बना हुआ है साइबर टेररिज्म। अभी अगर हम कुछ महीने पीछे की बात करें तो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने पूरी इंटरस्टेट मीटिंग कॉल ऑन करी थी, उसमें चर्चा का विषय था साइबर टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म। आज हम बात करने वाले हैं साइबर टेररिज्म की। हम सोचते हैं कि हमारे हाथ में गैजेट्स हैं और हम लोग गैजेट फ्रेंडली हैं और एक क्लिक पे हम सारी की सारी चीज़ें जो हैं अपने डोरस्टेप पे अवेलेबल करा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़, एक क्लिक में आप सभी लोग गिरफ्त में आ जाते हैं साइबर क्राइम के। आज तक हमने काफ़ी सारी स्टोरीज आपको बताई हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये डार्क वेब, साइबर क्राइम, डार्क नेट है क्या। और मेरे साथ आज मेरे गेस्ट मौजूद हैं जो कि इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए एक एसेट हैं, साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट, स्पेशल आईजीपी मुंबई यशस्वी यादव। वेलकम टू सहारा समय सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। सर, सबसे बड़ी बात, मेरा तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आप बहुत टेक्निकल माइंड है, कितने प्रकार के साइबर क्राइम है? देखिए, इंडिया में लगभग 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, 70 करोड़ स्मार्टफोन्स, और हर एक फोन पुराने जमाने के पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस फोन को चलाने के लिए जो सावधानियां चाहिए, जो साइबर हाइजीनिक बिहेवियर बोलते हैं जी, वो कितने लोगों को आता है जी। क्योंकि साइबर क्राइम आज हर किसी के लिए सिक्योरिटी का धोखा बन चुका है, चाहे वो नॉर्मल ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स हों जिसमें जमतारा से लोग आपको फ़ोन कॉल करते हैं, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स निकालते हैं सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू और फिर आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि एक सीनियर सिटीजन, 70 साल के व्यक्ति जिसका बैंक अकाउंट चंद सेकंडों में खाली हो जाता है, उसके लिए कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा है ये जी। और क्या हम साइबर क्राइम को गंभीरता से फिर भी लेते हैं या नहीं, ये एक विवाद का विषय है जी। आज की तारीख में जनवरी 2022 की फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार जी, साइबर क्राइम विश्व का नंबर 1 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रैकेट बन चुका है जी। आपने नेटफ्लिक्स में नार्कोस या नार्को ट्रैफिकिंग की स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन उनसे 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है साइबर क्राइम। $6 trillion $6 trillion का रेवेन्यू लॉसेस, डैमेजेस साइबर क्राइम एक साल में कर रहा है जी। और हम 2025 में भारत की इकोनॉमी सिर्फ $5 trillion की एस्पायर कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी हो। तो इतना बड़ा व्यवसाय, इंडस्ट्री के रूप में साइबर क्राइम उभर कर सामने आया है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे लेजारस ग्रुप नॉर्थ कोरिया का, जैसे APT-31 चाइना का, जैसे कि सैंड वर्म रशिया का, ये सब ग्रुप्स हैं जिनका काम है सिर्फ साइबर क्राइम करना। हमारे जमतारा में भी ऐसे इतने सारे ग्रुप्स हैं जो सिर्फ साइबर क्राइम करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। जमतारा की जब बात आती है तो सर, वो दो एयरक्राफ्ट उन्होंने खरीदे हैं, परचेज करे हैं, वो सर किस तरीके से ये लोग, मतलब वहाँ पर इस तरीके के ऑर्गेनाइज तरीके से हर जगह से लूट रहे हैं, उनका तरीका क्या होता है, हाउ दे पेनिट्रेट इनटू ऑल दिस, मतलब घुसते हैं, चोरी हो जाती है, कोई रातों रात अमीर हो जाता है, कोई ठनठन गोपाल हो जाता है, तरीका क्या है, इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या रहती है? देखिए, मॉडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल है जी। साइबर क्रिमिनल बनने के लिए आपको बहुत कम खर्चा लगता है जी। आपको सिर्फ ब्रॉडबैंड चाहिए जी। और आपको कीबोर्ड चाहिए जी। इसीलिए बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं, व्हाई डू आई नीड बॉम्ब्स एंड बुलेट्स व्हेन आई हैव अ कीबोर्ड एंड अ वाईफाई कनेक्शन जी। तो आप अगर जमतारा, जो कि अब जमतारा जैसे सेंटर्स इंडिया में बहुत से और भी खुल गए, लेकिन जमतारा का हम इसलिए नाम लेते हैं कि वो सबसे ट्रेडिशनल सेंटर है और उस गाँव में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पावरफुल टेलीफोन कंपनीज के टावर्स हैं, जिससे कि इंटरनेट वहाँ पे अच्छा मिले, लोगों ने वहाँ पैसा जमा करके वो टावर्स लगवाए। और अभी 3 महीना पहले वहाँ पे लैम्बोर्गिनी, फेरारी ऐसी गाड़ियाँ तो पहले ही आ चुकी थी, अभी 3 महीना पहले 2 चॉपर्स भी खरीदे गए जी, जी। तो इससे ये पता चल रहा है कितना बड़ी मनी स्पिनर है साइबर क्राइम, कितना ल्यूक्रेटिव बिजनेस बन चुका है। वो इसलिए है
क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में उतने रिसोर्सेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है और लोगों में जागरूकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको ये कहने का मतलब है कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, दे मोस्ट स्मार्टर देन कॉप्स। बिल्कुल नहीं, कॉप्स कैन बी वेरी स्मार्ट एंड दे कैन ओवरकम ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, लेकिन उसके लिए उनको रिसोर्सेज और ट्रेनिंग की जरूरत है। तो पॉलिसी जो हमारी है, जो अभी कन्वेंशनल क्राइम की तरफ फोकस्ड है, उसका फोकस एम्फेसिस थोड़ा सा हमें साइबर क्राइम की तरफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो पुलिस वाला आपका पासपोर्ट चेक करता है वो कभी फॉरेन नहीं जाता, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करता है उसके पास खुद की कार नहीं होती, जो आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह के कैरेक्टर वेरिफिकेशन करता है उसके पास खुद का क्रेडिट कार्ड नहीं होता। इसका मतलब इन सब फील्ड्स में पुलिस को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं विभिन्न तरह के साइबर क्राइम के बारे में लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ये जागरूकता की एक मुहिम का पार्ट है। आपकी बात पे ही जो है मैं आपसे ये सवाल पूछने वाली हूँ। आपने ये बोला जामतारा में जो है उनको सिर्फ क्या चाहिए, इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, साथ में उनको थोड़े से गैजेट्स चाहिए और लैपटॉप चाहिए। तो अगर हम पुलिस लैब्स की बात करें, फॉरेंसिक लैब्स, जो कंप्यूटराइज लैब्स होती हैं जहाँ आप इतनी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो फिर भी ये लोग आपकी गिरफ्त से दूर कैसे हैं? देखिए, साइबर क्राइम एक अमीबा जैसा है जी। जैसे अमीबा अपना शेप बदलता है, अपना फॉर्म बदलता है हर दो दूसरे तीसरे दिन, उसी तरह साइबर क्राइम घंटों में भी अपना फॉर्म बदल सकता है। फॉर इंस्टेंस, आज की तारीख में ई सिम फ्रॉड चल रहा है जी। पर बहुत कम लोगों को पता है ई सिम क्या होता है, उसका फ्रॉड कैसे किया जाता है। लेकिन कॉमन आदमी जिन्होंने ई सिम के लिए अप्लाई भी नहीं किया, उनके नाम पर ई सिम निकाल लिया जाता है और उस ई सिम से सारे ओटीपीज उस ई सिम पे आने लगते हैं और बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है जी। तो ये ई सिम फ्रॉड है, ये अभी लेटेस्ट आया है। इसके कुछ दिन पहले वर्चुअल किडनैपिंग आया, जिसमें लोग किडनैप नहीं किए जाते हैं, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है उनके परिजनों को कि लोग किडनैप हो गए हैं उनके सेलफोन ऑफ करवा कर और उनसे रैंसम ले लिया जाता है। इसी तरह सेक्सटॉर्शन, रैंसम वेयर, अलग अलग तरह के साइबर क्राइम्स हैं। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को धोखा में लाने वाला जो सबसे बड़ा इसका डेमन है, जो सबसे बड़ा दानव है, वो है साइबर टेररिज्म। हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के जो रियल वॉर चल रहा है, मिलिट्री कैंपेन चल रही है, उसके पीछे 5 साल से साइबर वॉर चल रहा था दोनों में। 2015 में पूरे यूक्रेन की बिजली गुल कर दी थी रशिया के हैकर्स ने, ऐसा भी एलिगेशंस हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइबर टेररिज्म एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। और अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ऐसे भी कुछ जगह हुआ है कि क्लोरीन की मात्रा, कंप्यूटर कंट्रोल्ड क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दी गई और पानी विष बन गया जी। या फिर न्यूक्लियर मिसाइल से जो कंप्यूटर्स कंट्रोल कर रहे हैं उन पे कब्जा करके कोई टेररिस्ट ग्रुप न्यूक्लियर मिसाइल्स को सेट ऑफ कर सकते हैं, या फिर ट्रेन के सिग्नलिंग सिस्टम को हैक करके दो ट्रेनों को भिड़ाया जा सकता है, और इसके लिए आपको बॉम्ब्स, बुलेट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बिट्स और बाइट्स की ज़रूरत है। तो ये आपने अभी इतनी इंटरेस्टिंग बात हमें बताई है, लेकिन हाउ टू कंट्रोल, व्हाट इज द रेमेडी? क्योंकि आम जनता इतनी ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, मतलब हर कोई जो है एक मोबाइल फोन को यूज करना जानता है, इंटरनेट यूज करना जानता है, लेकिन जो हम एक्चुअल इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत बहुत माइन्यूट है। अगर आप डीप वेब की बात कर लें, डार्क नेट की बात कर लें, वो तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है जी। सबसे पहली बात है कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ कि जब आप रोड में अपनी कार लेकर निकलते हैं जी, आपको खतरा है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है जी, आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन ये रिस्क है। लेकिन हम सीट बेल्ट बांधते हैं, हम अगर टू व्हीलर में जा रहे हैं तो हेलमेट पहनते हैं, अपने आप को सुरक्षित बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब हम इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे पे निकलते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में लॉग इन करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो भी कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जो हम कई बार नहीं बरतते जी। जैसे कि किसी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक कर देना जी। अगर आप किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके पीछे कोई वायरस छुपाकर आपको भेज सकता है, जिसको हम मॉलवेयर बोलते हैं या ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, जिससे आपका पूरा फोन हैक हो सकता है, आपकी सारी पिक्चर्स, आपके सारा डेटा, आपकी सारी बातचीत, आपकी सारे चैट्स हैकर के पास पहुंच सकता है और वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। कुछ साल पहले मुंबई में ऐसे ही हुआ, एक लेडी जर्नलिस्ट जो एक स्टूडियो में रहती थी अपार्टमेंट में, उसने एक अनजान व्यक्ति के साथ चैटिंग स्टार्ट की, उसके द्वारा उसने एक लिंक भेजी कि मेरी लेटेस्ट फोटो देख लो,
उस फोटो में उसने एक वायरस छिपा के भेजा जिसको हम स्टेगनोग्राफी बोलते हैं, और वो वायरस था वीडियो की लॉगर वायरस। तो उसके बाद जो भी लड़की टाइप करती थी अपने कीबोर्ड में उसकी एक कॉपी ईमेल होकर उस हैकर के पास पहुंच जाती थी, और साथ ही साथ उसके लैपटॉप का वेबकैम भी अपने आप ऑन हो जाता था। तो सारी तस्वीरें उस लड़की की, एक ही रूम का अपार्टमेंट था, वो तस्वीरें भी लाइव टेलीकास्ट हो रही थी उसी के कंप्यूटर से। उसके बाद 2-3 महीने बाद इस लड़के ने उस लड़की को ब्लैकमेल करना चालू किया, और जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की तब पुलिस बीच में आई, और बाद में ये हैकर पकड़ा भी गया, लेकिन बाद में उस लड़की को 3-4 महीने की काउंसलिंग के बाद वो नॉर्मल हो पाई। आपकी इसी बात से सर एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, मतलब मेरी जनता भी ये चीज़ जानती है, और इनफैक्ट सब लोग ये प्रैक्टिस भी करते हैं, आई एम 100% श्योर। फेसबुक पे हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, और मैसेंजर पे आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो एक्टिवेट रहती है, और आधी से ज़्यादा लोगों की तो फ्रेंडशिप इस तरीके से होती है, मैसेंजर पे चैटिंग शुरू हो जाती है, एंड डिस्टेंस रिलेशन की अगर हम बात करें तो वो इसी चीज़ पर सर्वाइव कर रहा है। पर ऐसे में जब वो गिरफ्त में आ जाते हैं तो एक तो ये सबसे बड़ा डर रहता है, बदनामी हो जाएगी, डिफेमेशन हो जाएगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात है वो, मतलब आपकी इस बात के बाद बौनी नज़र आती है, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं ये एक रैकेट भी हो सकता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, मतलब पेनिट्रेट कर गए, उसके बाद फिर निकलेंगे अपनी मर्जी से, या जब वो सिस्टम से निकलते भी हैं तब तक सब कुछ दुनिया ही लुट जाती है। देखिए, इस जो आपने बात बोली बहुत ही प्रासंगिक बात है, और आप इस चीज़ को हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं रिवेंज पॉर्न या सेक्सटॉर्शन। दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। राजस्थान में और हरियाणा में ऐसे टाउन्स हैं जहाँ पे सेक्स टॉर्शन गैंग्स रहते हैं, जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, 10वीं कोई फेल है, कोई 8वीं के बाद, और वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, MLAs, मिनिस्टर्स को सेक्स टॉर्शन का शिकार बना रहे हैं। ऐसे केसेस हमारे मुंबई पुलिस के पास भी आए, जिसमें एक शिवसेना के MLA को एक लड़का ने लड़की बन के चैटिंग में फंसाया, और डीप फेक करके एक टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी व्यक्ति के आपको आप नग्न दिखा सकते हैं, इसको डीप लर्निंग फेक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत बिल्कुल हूबहू उसी के फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ उसको ऐसा दिखाया जा सकता है कि वो अश्लील प्रक्रिया कर रहा है, जबकि उसने कभी की नहीं होगी। कैटरीना कैफ, आपके सारे हीरोइंस जितने भी हैं, सबके डीप फेक वीडियोस बन चुके हैं जी। और अयूब राणा करके एक जर्नलिस्ट था, उसका भी डीप फेक वीडियो बना था, जिसकी वजह से उसको 4 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। तो डीप फेक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे किसी की व्यक्ति के वस्त्र उतारे जा सकते हैं, उसको अश्लील क्रियाएं करता हुआ दिखाया जा सकता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होंगे कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा ये फेक वीडियो है। तो ये सब करके सेक्स एक्सटॉर्शन गैंग्स एक नए लेवल पे पहुंच चुके हैं। पहले क्या होता था, फर्स्ट लेवल ऑफ सेक्सटॉर्शन में ये होता था, लड़के लड़कियां बनके लोगों को फंसाते थे, उनके साथ ऐसी अश्लील चैट करके उनको ब्लैकमेल करते थे। सेकंड स्टेज ऑफ सेक्सटॉर्शन में क्या हुआ, लोगों ने टेक्नोलॉजीज का यूज करना किया, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन, जिसमें लड़का बोलता है तो लड़की की आवाज सामने से सुनाई पड़ती थी। थर्ड फेज में क्या हुआ, फोटोशॉप करके इमेज बनाने लगे। फोर्थ स्टेज में हुआ कि लड़के की जगह अब सही की लड़कियों को ऐसे गैंग्स हायर करके लोगों को हनी ट्रैप करने की कोशिश करने लगे। और फिफ्थ स्टेज ये है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बिना किसी से बात के उसका न्यूड वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो इसमें जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब उस इंसान को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसने कभी ये क्रिया ही नहीं की है, बस उसका वीडियो भेज दिया जाता है, उसने कहा मैं तो की नहीं है, लेकिन अगर वो वीडियो उसके सारे रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स को भेज दिया जाए तो उसकी बहुत बदनामी होगी। इसलिए वो डर के मारे, लोग लाखों रुपए दे रहे हैं ऐसे गैंग्स को जिससे कि उनकी बदनामी ना हो सके, लेकिन एक बार ये पैसा नहीं मांगा जाता, थोड़े दिन बाद वापस मांगा जाता है, और ऐसा व्यक्ति शिकार हो जाता है। अभी अविनाश नाम का बेंगलोर में एक होटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसने सुसाइड कर लिया सेक्सटॉर्शन की वजह से। और तो और सबसे दुख भरी बात यह है कि मरने के बाद भी उसको फोन कॉल्स आ रहे थे उसकी बहन को कि हमें और पैसा दो वरना हम अभी भी इसका वीडियो लीक कर देंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरे जो व्यूअर्स हैं उसमें टीनेजर्स भी बहुत सारे हैं, और कई बच्चे भी ऐसे हैं जो अमूमन ये सोचते हैं कि
इंटेलिजेंट हो गए हैं, हम टेक्नोलॉजी से भी हैं, लेकिन आप किस तरीके से गिरफ्त में आते हैं, शर्मसार आपका पूरा परिवार भी हो सकता है। और इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वक्त एक टेक्निकल माइंड, इंटेलिजेंट माइंड जो साइबर रिलेटेड ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अ कॉप इज सिटिंग विद मी और वो इतनी डिटेल्ड चीजों में बता रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यहां पर सर ये आ जाती है, मैं खुद देख रही हूं बिकॉज आई एम इनटू क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म। पिछले एक दो महीने से, इनफैक्ट मेरी एक दो फ्रेंड्स भी हैं, उनके हस्बैंड्स को इस तरीके के ट्रैप में लिया गया। उनको कहीं ना कहीं इनिशियली लगा यार पैसे देके छूट जाते हैं, पुलिस के पास कैसे जाएं, परिवार में बदनामी हो जाएगी। मतलब आज की तारीख में भी हम जो है एक सोशल डिलेमा में रहते हैं कि हमारा क्या होगा, मतलब हम डिफेम हो जाएंगे। लेकिन जैसा आपने बताया कि एक्ट किया भी नहीं और गिरफ्त में भी आ गए, बदनाम भी हो रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, कैसे बचा जाए? देखिए, डीप फेक और डीप न्यूड का जो मैंने आपको टेक्नोलॉजी बताया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नकली वीडियोस लोगों के बनाए जाते हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं जी। और इसमें जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, फिल्म एक्ट्रेस सबके बन चुके हैं ऐसे वीडियोस जी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले बच्चों को समझाया जाए कि इस तरह से अपनी कोई भी अश्लील कृत आपको इंटरनेट में नहीं करना है, क्योंकि इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स एंड नेवर फॉरगिव्स, ना कभी वो भूलता है ना कभी वो माफ करता है। अगर हमें ये लगता है कि इंटरनेट में जाके हम अनोनिमस हैं या गुमनाम है, तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम इंटरनेट में भी उतने ही ट्रैक किए जा सकते हैं जितना एक नॉर्मल वर्ल्ड में, बल्कि कई बार और आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि इन बच्चों को अवेयरनेस, जागरूकता करनी चाहिए कि इस तरह के कृत्य बिल्कुल भी टीनेजर्स या किसी भी व्यक्ति को, कोई भी उम्र का हो, लेकिन उसको ऐसे कृत्य इंटरनेट में नहीं करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा कृत्य हुआ हो या किसी ने डीप फेक या डीप न्यूज से उनको गलत तरह से फंसाया है, तो तुरंत हमारी ऑल इंडिया हेल्पलाइन 1930 1930 करके साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है, उसमें आप तुरंत फ़ोन कीजिए या हमारे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में अपनी ईमेल घर बैठे उसकी शिकायत कीजिए। इसके लिए जो आपने कहा कि लोगों को शर्म आएगी या लोगों की बदनामी हो जाएगी, उसको नहीं हमें समझना चाहिए। इसको कहते हैं डीस्टिग्मेटाइजेशन, मतलब बदनामी इस चीज़ से हटाने का प्रक्रिया को बोलते हैं। वेस्ट में अभी लोग बदनामी नहीं फील कर रहे हैं और वो खुलेआम जा रहे हैं, यस हमें फंसाया गया और हमारे ऊपर ये कार्रवाई की गई। तो पुलिस अगर ऐसे गैंग्स को पकड़ने में कामयाब हो जाएगी, अपने आप सेक्सटॉर्शन बंद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आज की तारीख में भारत जी, और ख़ास तौर से मुंबई सेक्स टेक्सटॉर्शन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, क्योंकि हर दिन 500 से ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं, हालांकि 0.1% ऑफ 500 केवल FIR में रजिस्टर हो पाते हैं। सबसे बड़ी बात है, जितने भी लोग मेरा ये शो देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो आप अपनी अवेयरनेस जो है वो बढ़ाइए, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी एक ऐसा शख्स है, मेल या फीमेल, जो सेक्सटॉर्शन की गिरफ्त में है, तो उसको सपोर्ट कीजिए, बी अ वॉइस, आवाज बनिए, ताकि इस जो ये क्रिमिनल्स हैं, इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं, उन्हें धर दबोचा जाए। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, FIR होगी, लेकिन उससे पहले खुद आपको मुस्तैद होना पड़ेगा, आप लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आपको शुरू करनी पड़ेगी। तब आप पुलिस के नाक, कान, हाथ, मुंह सब बनेंगे और तब एक स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और आप सेक्सटॉर्शन जैसी चीज से बच सकते हैं। ये तो सर सेक्सटॉर्शन की बात, ये आपने जो बताया बहुत ही बेहतरीन तरह से बताया मिताली आपने, और इसी को हम बोलते हैं कि शर्मसार आप मत होइए, आप डीस्टिग्मेटाइज कीजिए सेक्सटॉर्शन को, और ये एक नॉर्मल क्राइम की तरह इसको ट्रीट कीजिए। और कहते हैं ना, डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रिवेंशन। अगर ऐसे केसेस 2-4 भी पकड़े गए, हालांकि हमने मोर देन 20 सच गैंग्स को पकड़ा हुआ है महाराष्ट्र में, लेकिन अगर ऐसे 2-4 केसेस पकड़े गए और मीडिया में आए ऐसे नाम, तो कम से कम 200 गैंग्स ऐसे लुप्त हो जाएंगे। डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रिवेंशन की पॉलिसी अपनानी चाहिए और हमें तुरंत पुलिस के पास जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने बोला, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आप खुद कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी आप लोगों को कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एक क्लिक से आप अपना ज्ञानवर्धन भी कर सकते हैं और एक गलत क्लिक से आप साइबर क्रिमिनल की भी गिरफ्त में आ सकते हैं। तो सिर्फ एक छोटी सी बात, बिगर। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगले शो में मैं हाजिर होंगी फिर दोबारा और खोलूंगी इस काली दुनिया के जाल पर दर पर छुएंगे फिर कुछ
अनछुए पहलू साइबर क्राइम के।